और रिंकेश जी की मांग है कि हमारी टीम को भी बोला जाए। राहुल जी का उस पर कमेंट आया कि एक मैच तो जीतो फिर लाता हूँ गेट रेड। हाँ ये स्ट्राइक पे है सुशील, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है पिछले सीजन के वॉरियर कुणाल। बोल्ड एम, बोल्ड जॉनी ने सिखाया, कमलेश ने बताया और बड़े भाई ने निभाया। बॉलर हैं संतोष जी, जैसे जॉनी ने उनको बताया था, कमलेश ने सिखाया था, सेम वैसे ही हुआ। बहुत अच्छे से ग्लाइड किया रोहित ने, एक रन। सुशील भाई आउट होके बाहर आए हैं, तीन बहाने दिए उन्होंने आउट होने के, एक उसमें से चूज किया जाएगा और एक रेडी है उनके पास। और पहले बॉल पे आउट होने की लिस्ट में सुशील जी भी शामिल। लालवानी जी बेफिजूल में चिल्लाते हुए, और रोहित भाई वहां पर सचिन जी के बिल्कुल पैरों से नीचे से गई बॉल। सचिन जी की अच्छी फील्डिंग। डाउन द ग्राउंड खेला रोहित ने, बहुत अच्छी वहां पर फील्डिंग, मयूर की फील्डिंग। बैकअप के लिए महेश, बॉलर का नाम है कमलेश। एक ओवर के बाद टीम का स्कोर हुआ है 5। और ये बहुत अच्छी फ्लिक की रोहित ने, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स कुणाल द्वारा। गणेश भाई कोंद लेग साइड पर खड़े हैं। डाउन द ग्राउंड और ये नॉट आउट, ही वॉज वेल इन साइड द क्रीज। अगर डायरेक्ट थ्रू होता तो शायद आउट हो सकते थे, नॉट आउट का इशारा अंपायर द्वारा। बहुत अच्छी बॉलिंग कमलेश जी द्वारा। और ये कैच हो सकता था, अच्छी फील्डिंग वहां पर ध्रुव, बहुत अच्छी लाइन डालते हुए कमलेश भाई। कमलेश भाई की बहुत अच्छी बॉलिंग और ये महेश ने कैच छोड़ा। एक अच्छे बॉलर की पहचान होती है या तो उनके उंगलियों में स्पिन होनी चाहिए, या तो बॉल खराब होना चाहिए, या पिच खराब होना चाहिए, बट इस केस में कमलेश भाई की उंगलियों में जान है। और महेश की फील्डिंग देखने के बाद मुझे लग रहा है वो जगह ही पनवती है कि वहां पर एक अच्छे प्लेयर खड़े थे जिन्होंने एक फोर नौ रन नौ दो ओवर के बाद नौ रन, वो जगह एक बिल्कुल पनवती है वहां पर।
अभी वहाँ पर पवन अग्रवाल मस्त करता है, ऐसा दर्शकों से आया है मैसेज। बहुत अच्छी बैटिंग कुणाल जी द्वारा, लेकिन एक रन स्कोर में इजाफा। गौतम जी ने बॉल को पकड़ा। और ये रोहित की अच्छी बैटिंग, बहुत बढ़िया बॉलिंग महेश जी द्वारा। और ये आउट, और अभी पनवती चेंज हो गई वहां पे, क्योंकि वहां आए हैं, कैच पकड़ा जॉनी जी ने। बॉलर है महेश और जो बैट्समैन आउट हुए हैं वो है रोहित, अगले बैट्समैन सुजीत। मुत्तू के फादर के नाम से जाने जाते हैं श्रीजीत। और ये ओ, संतोष भाई के एफर्ट्स के 100 में से 100 पॉइंट्स, बिल्कुल ग्राउंड से जुड़े हुए। और बैक फुट पर जाके पंच किया इसी, और ये यहां पर, और बहुत अच्छी रनिंग श्रीजीत जी द्वारा, यही जो संदीप शिंदे ने पिछले मैच में किया। लास्ट बॉल, रिटर्न कैच हो सकता था। चौदह रन तीन ओवर के बाद, टीम की रन संख्या है 14। बॉलर है मयूर, मयूर है नए बॉलर। लेफ्ट आर्म, बहुत अच्छे बॉलर है मयूर, फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट है, पिछले टूर्नामेंट में नहीं थे, इस बार जो नए प्लेयर्स आए हैं उसमें से एक बहुत अच्छे बॉलर के रूप में उभरे हैं मयूर जी। बहुत अच्छे से ग्लाइड किया संतोष जी, जब तक फील्ड कर पाते। एक रन भाग गए हैं कुणाल, बहुत अच्छी बॉलिंग मयूर द्वारा, पावर प्ले ओवर। और ये सचिन जी एज नहीं पकड़ पाए, बहुत अच्छी बॉलिंग मयूर द्वारा। अंपायर से डिस्कस करते हुए मयूर भाई, नो बॉल, अचानक से उत्साह, बहुत सारी एनर्जी, गेट रेड पिया इन्होंने। और ये बहुत अच्छी बैटिंग करी थी श्रीजीत जी ने, बहुत अच्छी बॉलिंग मयूर जी द्वारा। लेग साइड पर फ्लिक किया, जब तक मयूर जी पकड़ पाते। कुणाल का एक रन, टू टू गो, चार बॉल। नो बॉल, लो बॉल, लो बॉल, नो बॉल, नो बॉल, नो बॉल, नॉट आउट, नो बॉल है, नो प्लस वन। स्कोरर प्लीज ध्यान रखिए, नो प्लस वन, नो प्लस वन। 20 रन दादा की, दादा कमिटी के ट्रेजरर रह चुके हैं और हिसाब में पक्के, नंबर्स में सटीक आलोक जी। बहुत अच्छी बैटिंग कुणाल जी द्वारा, चौथे ओवर में पूरी समझदारी से बैटिंग करते हुए 21 रन, 21, लास्ट बॉल टू गो। और ये लेग बाय हो सकता था, श्रीजीत फ्लिक करना चाहते थे। करना पड़ता है।
नए बॉलर का नाम है ध्रुव। नए बॉलर हैं ध्रुव शर्मा। राइट आर्म ओवर, ये फिफ्थ ओवर है। और कुणाल ने बिल्कुल सचिन जी के पैरों के बीच में से खेल लिया, और जब तक संतोष जी बॉल पकड़ते ये अचानक से वहां पर तनाव, बट संयम से काम लिया संतोष जी ने। और बहुत अच्छी बैटिंग श्रीजीत जी द्वारा। द नीड ऑफ द आर है कि कुणाल को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक दें, और वो बहुत अच्छे से बखूबी अपना काम निभाते हुए श्रीजीत जी। नो बॉल, लो बॉल पर खींच के मारा और श्रीजीत जी रन आउट। बहुत अच्छी फील्डिंग कमलेश जी द्वारा। और अगले बैट्समैन है जाने माने प्लेयर, बहुत ही मशहूर एक धुरंधर बल्लेबाज दादा मोदी जी का वादा, खेलेंगे अपने दादा। बैट्समैन का नाम है आलोक। स्ट्राइक पे है कुणाल, लॉन स्ट्राइकर एंड पर दादा। ध्रुव के दो बॉल, 20 डिग्री नॉर्थ पे घूम जाइए, ऐसा कमलेश जी का बोलना है सुनील को, सचिन जी को। 20 डिग्रीज, सिर्फ 20। और ये सिक्स, अपना कोई सगा नहीं, इससे किसको ज्यादा लगा नहीं। सनी बिल्कुल अपने कमेंट्री बॉक्स से उठते हुए कुछ तो कहा कुणाल को, और कुणाल बखूबी वो सुनते हुए, और इससे जोर में लगा नहीं। और ये बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर गौतम जी द्वारा। गौतम जी बॉल के साथ भाग के आते हुए, उसको भागने दे, तू मत आउट हो, उसको भागने दे। और दादा ने कलाइयों को, और ये कमलेश जी बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर। कमेंट्री बॉक्स से सनी कुणाल से बात करते हुए वाया सैटेलाइट। बहुत अच्छे से ऑफ साइड पर कवर ड्राइव खेला जॉनी, जब तक बॉल पकड़ पाते। एक रन, 33, पांच ओवर के बाद टीम की कुल रन संख्या है 33। विराट कोहली पानी देने आए हैं। लास्ट ओवर लेके आ रहे हैं गणेश खून जी। दर्शकों का मानना है कि जॉनी भाई को बॉलिंग के लिए दिया जाए। जॉनी भाई बॉलिंग के लिए आइए। बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर कमलेश जी द्वारा। अच्छी बॉलिंग करते हुए गणेश जी, गणेश खोंद। दादा बहुत अच्छी बॉलिंग, इनसाइड एज लगा सीधे कमलेश के हाथ में बॉल, और दादा आउट, दादा आउट। बैटिंग के लिए आए सुशील जी, आई एम सॉरी दीपक जी। सबसे सीनियर प्लेयर हैं इस टूर्नामेंट के। गोपाल जी का भी कहना है, हमारे
चीफ क्रिटिक्स हैं गोपाल जी, एनालिस्ट हैं, और ये बहुत अच्छी बैटिंग दीपक जी द्वारा। बॉल आता हुआ जो नीचे गया था, बॉल लास्ट दो बॉल, बॉल करे बॉल और आउट। कैच आउट हो सकता है, कैच आउट है, कैच आउट है, आउट आउट। बहुत अच्छी सूझबूझ, कमलेश जी ने कैच लिया, कमलेश जी बहुत अच्छी बैटिंग के बाद कुणाल पेविलियन लौटते हुए। हमारे चीफ एनालिस्ट हैं गोपाल जी, गोपाल जी ने इस मैच को एनालाइज किया और ये बहुत अच्छा टैप किया। कुणाल दूसरे रन के लिए भागते हुए और बहुत, और ये ऋषि तीसरे रन के लिए भागते हुए, तीन रन भाग गए ऋषि, तीन रन भाग गए हैं ऋषि, तीन रन। दादा के चेहरे पे मुस्कुराहट, 38 रन्स, 39 टू विन, और बिल्कुल जैसे गोपाल जी ने बताया था वैसे ही प्लेयर ने किया। गोपाल जी ने बोला था लेग साइड में खेलिए, प्लेयर का बिल्कुल विश्वास नहीं, ऑफ साइड में खेला, तीन रन मिले और 39 टू विन, 39 टू विन। सनी कुछ बताना चाहते थे दादा को, थर्टी नाइन रन्स टू विन। पानी के ग्लास का उपयोग सोच समझ कर कीजिए, सेव नेचर सेव अर्थ। और अगर इस बिल्डिंग के लोग सुन रहे हैं तो एसी का भी उपयोग कम कीजिए, यहाँ पानी नीचे तक टपक रहा है। सेव एनर्जी सेव लाइफ, अगर आप ही इतना एनर्जी कंज्यूम करेंगे तो आगे की जनरेशन क्या करेगी। तो अगर रॉयल सी से कोई सुन रहा है, रॉयल ए से कोई सुन रहा है, तो प्लीज ध्यान दीजिए कि एसी का उपयोग कम कीजिए। 11 बजे से एसी चल रहा है, 2:30 बजे तक। दर्शकों की मांग है एक छज्जा लगाना चाहिए, बट पानी फिर भी गिरेगा वसंत भाई, एक ट्रे बनाना पड़ेगा। बैट सिलेक्शन कमिटी में मयूर जी, मयूर जी ने एक अच्छी बैट को सिलेक्ट किया है। जयंता जी के चेहरे पे खुशी क्यों ना हो, सनी के टीम में खेलते हैं जयंता जी, और फोर मारा है उन्होंने, क्यों ना खुश हो। हर टीम का नसीब हमारे जैसा नहीं होता। संतोष जी के चेहरे पे मुस्कुराहट, गैटोरेड पी के सारे प्लेयर एनर्जी के साथ। स्टार्ट कुणाल है बॉलर, बैट्समैन है कमलेश जी। नो बॉल आउट, नो बॉल। और जब तक सुनील जी इस गेंद को पकड़ पाते,
एक मिनट रुकिए, लेट अंपायर डिसाइड, अंपायर को बोलने दीजिए। धावन रन है, नो आणि तीन रन धावले, नो प्लस थ्री। 2019 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड जेव्हा हारली, पंचांनी मला आताच हे आमच्या ध्यानात आणून दिलं, नो प्लस थ्री। बहुत अच्छे से मयूर जी ने उसको फ्लिक किया, कलाइयों को मोड़ा हल्के से, एक रन के लिए दौड़ पड़े मयूर। बहुत अच्छे और हम देख सकते हैं कि जब से गोपाल भाई ने वो कैच पकड़ा है, गोपाल जी का आवाज बहुत मतलब रुक ही नहीं रहे। गोपाल जी जब से वो कैच पकड़ा है तब से गोपाल जी सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं नॉन स्टॉप। और मयूर ने शेट्टी जी आए हैं, हमेशा शेट्टी जी समय से आगे। और सुनील जी की बिल्कुल तबला तोड़ फील्डिंग, पांच बॉल झाले। और बहुत अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन कमलेश जी द्वारा, बिल्कुल एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है सूझबूझ और समझदारी से खेलना। 10 रन, इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये बिल्कुल सही पढ़े हैं संतोष जी ने अपनी टीम को, और जब इन्वेस्ट किया तो ऐसे शेयर्स पे इन्वेस्ट किया जो आज चल रहे हैं। हुक्मानी ब्रदर्स और जिन्स ने रिलायंस में इन्वेस्ट किया, अदानी में इन्वेस्ट किया, संतोष भाई ने हुक्मानी में इन्वेस्ट किया और हुक्मानी रिटर्न्स देते हुए, और जिसका साथ छोड़ा। पंचायत करने में महारत है अपने पास वासु भाई, अपना काम है नाश्ता प्लेट गेटोरेड, खेलने का काम बाकी 120 लोग कर ही लेते। नो बॉल पे एक रन, वन डी। ये लड़के को दिया, लड़के को मौका मिलना चाहिए, नए टैलेंट को चांस देना चाहिए, इसीलिए मैंने उस लड़के को दिया। ये होता है टैलेंट। मयूर सपोर्गा, अरे पेनल्टी लगेगा कमलेश जी को, बॉल नहीं है, रुकना पड़ेगा थोड़ी देर। अंपायर ने अपनी बॉडी पे उस बॉल को झेला, स्कोरर की तरफ पीठ दिखाते हुए अंपायर, नई अंपायरिंग की टेक्निक है बिली बाउडन। और कमलेश जी ने ग्राउंड पर खेला, और ये कुणाल ने सुशील के पास थ्रो किया, बहुत अच्छी फील्डिंग कुणाल द्वारा। और अगर सुशील जी के साथ ये हो सकता है तो मेरे साथ होना तो स्वाभाविक है। बॉल आया है पिच पे, गलतियां इंसानों से होती है और इंसान ही सुधरते हैं। बहुत अच्छी बैटिंग मयूर जी द्वारा, लाइव रिपोर्ट देते हुए छोटे मयूर घर पे। और ये बहुत वाइड, ये छोटा सा वाइड नहीं, बहुत वाइड। फील्डरों को बाहर लगाइए कीजिए प्लीज, कृष्णा की तरफ तीन फील्डर रखिए, एक नीचे रखिए। अठारह रन हुए हैं,
कमलेश जी ने फ्लिक किया, कुणाल की अच्छी फील्डिंग, और ये जो जगह खाली छोड़ रखी है जहां पहले बहुत अच्छी फील्डिंग करते थे कुणाल। दीपक जी सीनियर मोस्ट प्लेयर इस टूर्नामेंट के, इनके उंगलियों में जादू है। डिसूजा जी, पठारे जी, ये सब एक ही कैडर के हैं, एक ही बैच हैं, आईएएस ऑफिसर्स दोनों। 1947 से ये देश का निर्माण कर रहे हैं। बीस रन चाहिए दो ओवर में, चार ओवर में बीस रन चाहिए, चार ओवर में बीस, चार ओवर में बीस रन। किसी के साथ भी हो सकता है, बिल्कुल आप किसी एक प्लेयर को नहीं ब्लेम कर सकते, सबके साथ ऐसा होता है। बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर कुणाल जी द्वारा। प्लीज थोड़ा गणेश और एसएन जो हैं, थोड़ा गणेश भाई और कमलेश भाई ने वही कर दिखाया जो पिछले 25 बार से कर चुके हैं। स्कोर हुआ है 22 रन, 22 दादा, 22 है स्कोर। जॉनी जॉनी आई एम पप्पा। आर्यमन बरुआ बहुत अच्छी फील्डिंग ऋषि जी द्वारा। मयूर और ये आउट हो सकते हैं। श्रीजीत की अच्छी फील्डिंग पर गलत एंड चूज किया श्रीजीत ने। तीन ओवर के बाद 24 रन, 15 चाहिए तीन ओवर में, और बॉलिंग के लिए आ रहे हैं फोर्थ ओवर स्पेशलिस्ट। ब्रह्मास्त्र है इनके पास, बट ब्रह्मास्त्र का तोड़ हुक्मानी ब्रदर्स लेके आए हैं घर से। जैसे रामायण में आपने देखा होगा कि तीर चलाने से पहले प्रभु श्री राम भी कुछ मंत्र पढ़ते थे, वैसे दादा भी बॉल को पहले भगवान के चरण में रखते हैं और फिर उसको बॉलिंग करते हैं। बस गेम उसी, वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है वहीं पूरा गेम चेंज होता है। दादा ने प्लेयर को बताया 20 डिग्री नॉर्थ पे खड़े रहिए, 18 डिग्री आपका चेहरा होना चाहिए, 15 डिग्री वेलोसिटी से बॉल आएगी और मोमेंटम होगा 20 किलोमीटर पर आवर, और पूरा कैलकुलेशन के बाद ट्रेजेक्ट्री फिक्स की है दादा ने बिल्कुल सटीक। सुनील जी को बोला गया कि एक भी कदम आगे पीछे लिया तो आप टूर्नामेंट से बाहर। दादा ने ट्रेजेक्ट्री फाइनल की, वेलोसिटी फिक्स। मिशन मंगल, मिशन मंगल इन जंगल। दादा टाइम आउट रखा गया है बॉलर्स के लिए भी, अगर बॉलर्स भी डेलिबरेटली टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दीपक जी लेग साइड पर आते हुए उनकी ओरिजिनल जगह पर। मयूर जी बहुत अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप मयूर जी और कमलेश जी में। नए बॉलर का नाम है आलोक। ये भगवान को प्रणाम किया और दादा ने, अरे आउट, हमारा कोई सगा नहीं और इससे जोर से किसी को लगा नहीं, दादा ने मंत्र पढ़ के इस बॉल को डाला। जैसे ही सब फील्डर अपने अपनी जगह पे पहुंचे बिल्कुल ये बॉल और आउट,
और दोनों हुक्मानी एक साथ, एक लाइन में तीन हुक्मानी, कीपर, बॉलर और रनर, नॉन स्ट्राइकर, स्ट्राइकर और कीपर, एक लाइन में तीन हुक्मानी। दादा फिर भगवान से मांगते हुए ब्रह्मास्त्र, लेकिन जॉनी होशियार और ये आउट हो सकते थे, लेकिन श्री जी दीपक जी चूके। डाउन द ग्राउंड खेला और ये फोर, ये वो जगह पे कुछ भी हो सकता है भाई, अगर कुणाल छोड़ सकता है तो प्लीज बाकी किसी को भी ब्लेम मत कीजिए। स्कोर हुआ है 29 जीत से करीब। दीपक जी की बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर, दादा ने टीम को, और जॉनी ने लेग साइड पर कलाइयों को मोड़ के हल्के से कमलेश भाई ने एक रन निकाले, दादा का रिस्पेक्ट हो सकता है। और ये श्रीजी आउट, हुक्मानी ब्रदर्स परेशान, ये क्यों हुआ पता नहीं, दोनों आउट, दोनों हुक्मानी आउट, दोनों का कहना है कि दोनों नहीं खेलेंगे, दोनों हुक्मानी आउट। रन आउट का थ्रो बहुत मुश्किल हो सकता है, किसने लास्ट में बॉल को हाथ लगाया, फिंगरप्रिंट देख के बताइए। श्रीजीत भी क्लेम कर रहे हैं, सुनील जी भी क्लेम कर रहे हैं, फेंका किसने भाई, एक बार एक कोई बताइए। सुनील जी 8 रन चाहिए, 31 बने हैं इस टीम के, 8 रन के लिए 13 रन, 13 बॉल में 8 रन, 13 बॉल में 8, 12 में 8, 12 12 में 8, और एक हिरन कमेंट्री बॉक्स से पास होता हुआ, खोंड फैमिली का हिरन। अंपायर्स को भी बोला गया और प्लेयर्स को भी बोला है खाना खा के आओ, दोपहर का खाना स्पॉन्सर नहीं है, बिल लाके गोपाल जी को दे दीजिए, गोपाल जी आपने जो खाया वो रिएम्बर्स करेंगे, जो दादा ने किया सुशील जी भी वही करते हुए। फील्ड प्लेसिंग और ये बाउंड्री, ये वो जगह पनवती है भाई और बहनों, प्लीज वो जगह को बैन कीजिए, वहां पे कोई रन नहीं मिलेगा उस कोने में। वाइड, एक्स्ट्रा वाइड, दो रन दिए गए इस ओवर बॉल को, 11 में 3 और जीत के बहुत करीब संतोष भाई की टीम। और ये नो बॉल और स्कोर सर लेवल, नो बॉल नहीं है, दोन रन पाहिजे जिंकायला, अंपायर आणि स्कोरर दोघे एकच, एकच व्यक्ती। कमलेश भाई दो रन के लिए इतना मेहनत मत कीजिए, यहां पर टीम जीत नहीं रहा और यहां रन रेट की चिंता, किसी टीम को क्या और किस टीम का क्या, यहां नाइट राइडर स्ट्राइकर मैच नहीं जीत रहे। 5 बॉल झाले, बॉल पाहिजे, बॉल नहीं है, 5 बॉल, यहां टीम जीत नहीं रही, किसी को रन रेट की चिंता है, कलयुग है, घोर कलयुग।
और टीम जीतती हुई मैन ऑफ द मैच है अरुण जी, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया इस मैच में। अरुण 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 भाई मैन ऑफ द मैच, और हुक्मानी फैमिली को एक ही बार अवार्ड दिया जाएगा लास्ट में, अभी बीच में मत दीजिए सर प्लीज।